नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के देखिए कई सारे गाने आते हैं। भोजपुरी के खास करके ट्रेंडिंग स्टार की बात करें तो उनके कई सारे ऐसे गाने आते हैं जो आपको झूमने पर मजबूर कर देते हैं, यानी कि जब भी उनका गाना सुनते हैं तो आप हिलने लगते हैं, ऐसे धमाकेदार तरीके के गाने होते हैं। वहीं बात करें तो खेसारी लाल यादव के गाना उदास सैड सॉन्ग भी होते हैं जो दर्शकों के दिल को कहीं ना कहीं पिघला देते हैं, और वो अपने ब्रेकिंग और लव स्टोरी का याद कर लोग जो है वो इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बीच बीच में खेसारी लाल यादव कुछ ऐसे भी गाने लाते हैं जो रियलिटी होती है, जो ट्रूथ होता है, जो सच्चाई होती है, उसको अपने गानों के माध्यम से दर्शाते हैं, और वो गाने सोशल मीडिया पर वायरल तो होते ही हैं, कई सारे लोगों के दिल को झकझोर देते हैं और कई सारे लोग इमोशनल होकर अपने आँखों में आंसू तक बहा लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से कुछ दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ था, इंसान खिलौना हो गए, जो कि कोरोना काल पर आधारित था, और वो गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार ट्रेंड कर रहा था, कई दिनों तक वो ट्रेंड कर रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैसे भी गाने भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव का एक और गाना सावन के महीने में रिलीज हुआ है, जो कि म्यूजिक वाइड से रिलीज किया गया है, बाबा लोग रही की रोग रहे। जिस तरीके से कोरोना महाकाल जो कोरोना महामारी है वो कई लाखों लोगों को अपने मुंह में निगल लिया है, और जिस तरीके से दूसरे लहर के दौरान भोजपुरी ऑडियंस को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसके साथ साथ पूरे देशवासियों को जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की कमी, डॉक्टरों की कमी, और जिस तरीके से लोगों को इलाज के लिए सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही थी, जिसको लेकर आप देखते होंगे कि शमशान घाटों में 10 गुना ज्यादा लाशों की संख्या बढ़ गई थी, और जिस तरीके से लोगों की परेशानी हुई और जिस तरीके से देखकर लगा कि लगता है कि अब जो है लोग नहीं बचेंगे, रोग इतना ज्यादा हावी पड़ रहा है कि लोग लगातार मरते जा रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में हमारे देशवासियों के लोगों ने, कई लोग जो अपने पिता को, कई लोग अपने माता को, कई लोग अपने पत्नी को, तो कई लोग अपने पति को, कई लोग अपने भाई को, कई लोग अपने बहन को, कई लोग अपने संपर्कियों संबंधियों को लोग जो है इस कोरोना काल में खो बैठे। और उसी गानों पर आधारित खेसारी लाल यादव का ये गाना, उससे पूरे के पूरे सिनारियोस को इस गाने में दर्शाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, हार्ट टचिंग है, और उस गाने को आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। जी हाँ, बात करें तो खेसारी लाल यादव ने गाने को गाया है, म्यूजिक डायरेक्टर की बात करता हूँ तो लॉर्ड जी हैं, और लिरिक्स राइटर भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर राइटर पवन पांडे हैं। इस गाने पर 3.25 लाख के करीब में व्यूज मिल चुके हैं, 40,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं, 6,000 से ज़्यादा इस गाने पर कॉमेंट्स हैं, और ऐसे भी कहा जा रहा था कि कुछ पल के लिए ये गाना 8 नंबर पर ट्रेंड भी किया था। हालांकि जैसे ही ट्रेंड करेगा मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन हमारे समझ से ये गाना मैंने ट्रेंडिंग में नहीं देख पाया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है। तो इस गाने को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, और कोरोना में सावधानियों के साथ अभी भी आप लड़ें, वैक्सीन लेते रहें, और कोरोना से बचाव के लिए जो भी आप सैनिटाइजर लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, उन सारी चीज़ों को आप सही समय के साथ, सही पलों के साथ उसका कहीं ना कहीं आप निर्माण करते रहें, उसको यूटिलाइज करते रहें, ताकि अभी भी कोरोना का लहर जो है, कहर जो है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से बचें, सावधानियां बरतें, ताकि आने वाले समय में जब एक और भी कोरोना कहा जा रहा है कि भयंकर विकराल रूप लेगा, उसमें आप अपने परिवार के सदस्यों को बचा सके, खुद को बचा सके, और अपने को लेकर किसी और को परेशान ना करें, इसीलिए आप सभी सावधानियों के साथ आगे बढ़ते रहें। यह गाना इसी सारी चीजों पर आधारित था, मुझे लगा कि आप सभी के बीच ये एक्सप्लेन एक रिव्यू देना चाहिए इस गाने को लेकर। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, गाना म्यूजिक वाइट पे है, जाइए सुनिए, बताइए, और सुन लिए हैं तो बताइए कि गाना कैसा लगा, अपडेट था मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।